Bismillahir Rahmanir Rahim. On the demand of Mukul Belawal, find the radius of curvature of the curve P square is equal to AR. ये curve का equation दे रखा है P square equation AR, P square equal to AR और इसका हमें radius of curvature find करना है. तो सबसे पहले इसको जो given है इसको equation number 1 डाल देंगे और फिर इसको differentiate करेंगे R के respect में. यानी differentiate equation 1 with respect to r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको पहले r मानते हुए r स्क्वायर का होता है 2r यानी यहां पर p है तो 2p हो जाएगा लेकिन ये r नहीं है इसलिए इस p का दोबारा से r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन a into में है कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और r का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा यहां से हम dp ओवर dr की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे therefore dp over dr की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन में 2p के इक्वल हो गई अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं जैसे कि इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रूव किया है r dr over dp ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला है अब यहां पर dr over dp की वैल्यू हमने नहीं निकाली है लेकिन इसे हम पलट सकते हैं इसे 1 अपॉन में कर देंगे तो dp over dr हो जाएगा ये वैल्यू हम ऊपर यहां पर निकाल चुके हैं इस इक्वेशन नंबर 4 से 2 डाल दें और इस इक्वेशन से यहां पर वैल्यू जो पुट करेंगे तो a अपॉन में 2p हो जाएगा तो a इस 2p का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी r into 2p अपॉन में a अब यहां पर हम p की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 से हमें दे रखी है वहां से p की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि p स्क्वायर है अगर p निकालेंगे √ ar आ जाएगा तो अंडर रूट एआर की वैल्यू इस पी की वैल्यू जो है 2 पहले लिखना है और आर अपॉन में ए और पी की वैल्यू अंडर रूट एआर है एक ए की पावर कैंसिल हो जाएगी तो एक ए की पावर आधी बचेगी यहां पर आधी मतलब यहां पर रूट आ जाएगा यानी आर का अंडर रूट तो है और ये ए को लिख सकते थे रूट ए इनटू रूट ए और रूट ए कैंसिल होके रूट ए बचेगा जो आर के साथ हमने मिला के लिख दिया इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ